और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो गए। पीएम मोदी पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ और बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और भी मजबूत होगी। ब्रुनेई की यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर के बाद वो वहां पे पहुंचेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा होने वाली है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है ब्रुनेई की, और दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहम बातें कही हैं। हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वे ब्रुनेई दार ए सलाम की अपनी सबसे पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के, डिप्लोमेटिक रिलेशन के 40 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो वे सुल्तान हसन अल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां राष्ट्रपति थर्मन षणमुख रत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग, वरिष्ठ मंत्री ली सीएन लूंग और वरिष्ठ नेता गोह चोक तोंग के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्नत श्रेणी के विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा से पहले एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले दो दशकों में बहुत अधिक सशक्त रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश का मानना है कि इनके संबंध विश्वास और समझ पर आधारित एक साझेदारी है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी इस यात्रा को कवर करने के लिए वहां पे ग्राउंड जीरो पे ब्रुनेई में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मुनमुन सेन वहां से मौजूद हैं। मुनमुन, जैसा कि हमने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये देश है, ऐसे में ये यात्रा किसी भी पीएम की ये फर्स्ट हिस्टोरिकल विजिट है, किस तरह से देखते हैं दोनों देशों के रिलेशनशिप को? जी असीम, आपका सवाल का मैं जवाब दूं, उसके पहले मैं जो भारतीय मूल के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनसे पूछ लेती हूँ उनको कैसा लग रहा है इस समय। जी बताइए, आप कैसे स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का? नमस्कार मोदी जी, वेलकम टू ब्रुनेई अबोर्ड ऑफ पीस। हम लोगों को बहुत ही एक्साइटेड वी आर। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? नमस्ते, मैं नीलम हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। आज मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा। आप पहले मिली हैं मोदी जी से? नहीं, फर्स्ट टाइम मिल रही, और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मुझे ये चांस मिला है। इतने बार सबसे फर्स्ट टाइम ब्रुनेई में एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका कहते हैं सभी जगह में अपना इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं वो। जी आप बताइए कि कैसे स्वागत करेंगे आप प्रधानमंत्री का? हम तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, बहुत उम्मीदें रखे हैं कि अच्छी तरह जाए इनके फ्रेंडशिप ब्रुनेई के साथ। और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई हमारे मुल्क से 1-to-1 आए हैं। वी लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू इट, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब बढ़ गई है पिछले 10 साल में? हाँ जी, मोदी जी के आने के बाद उनके इतने अच्छे अच्छे जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं, उनसे हमें लगता है कि हमारा इंडिया और भी आगे चला गया है इन 10 सालों में।
एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वी मीट इन ब्रुनाई. मैं उनसे पहले म्यांमार में भी आज से 5 साल पहले मिल चुकी हूँ. आज से 5 साल पहले हम लोग म्यांमार में थे, तो वी गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट देयर विद हिम ऑल्सो देयर. तो देखा आपने कि कितने उत्साहित हैं यहाँ पे भारतीय मूल के लोग. हम चांट सुन सकते हैं मोदी मोदी का. उत्साह परचम पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में आएंगे ब्रुनेई दारुसलाम, और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो करीबन 15,000 यहाँ पर हैं, और बहुत उत्साह है भारतीय समुदाय के लोगों में. हमारे साथ बने रहिए. हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, विवेक मिश्रा जी हैं, जो कि सीनियर फेलो हैं ORF में. विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. और जैसा कि हमारी सहयोगी मुनमुन बता रही हैं ब्रुनेई से, वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी खुश हैं और लुकिंग फॉरवर्ड कि वो देख रहे हैं कि PM आएंगे और जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत होगा. लेकिन मेरा सवाल आपसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के भी 40-40 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, ऐसे में अब तक की यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं, और आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में ये जो यात्रा आज हो रही है, इस बेसिस पे हम कैसे फ्यूचर को देखते हैं? देखिए, भारत के जो रिश्ते हैं खासकर काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, उसको एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देने की बहुत ही उम्दा काम किया जा रहा है. आप पोलैंड देखें, आप रिसेंटली सारे विजिट्स देखें, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गए, ब्रुनेई हो गया, इनमें सब 30-40-50 साल के अंतराल में ये विजिट्स हो रहे हैं. तो एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भारत के रिश्तों में आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. अभी जबकि भारत का एक ग्लोबल स्टैचर है और ग्लोबल साउथ में जब एक चैम्पियन के तौर पे उभर के आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप्स काफ़ी मायने रखते हैं. आप ब्रुनेई की खासकर बात करें तो जैसा आपने बताया, हिंद प्रशांत में एक ये अहम पिवट है, और आप इसकी लोकेशन देखें तो ये मलेशिया से चारों ओर घिरा हुआ है. मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अभी भारत आए थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो साउथ चाइना सी में और आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का के दूसरे साइड भारत के स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है. क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखें या फिर कनेक्टिविटी देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के दूसरे तरफ के ईस्ट की तरफ हमारे स्टेक्स अभी तक कम थे, जो जिसमें ब्रुनेई और सिंगापुर एक अहम पिवट उभर के आएंगे. जी मुनमुन, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, चाहे वो भारत की बात हो या फिर ब्रुनेई की बात हो, हम जानते हैं कि स्ट्रेटजिकली भारत का भी लोकेशन इंडियन ओशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो वहाँ भी ब्रुनेई का जो लोकेशन है स्ट्रेटजिकली वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे वो कौन कौन से इशूज़ हैं, ऐसे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर कि दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा. अगर हम ब्रुनेई दारुसलाम की बात करें तो ये एक सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक सर्कल में है, क्योंकि इसके आजू बाजू जो देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम. तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, साउथ चाइना सी के कोस्ट पर है, और हम जानते हैं कि चीन का क्या रवैया रहा है कई ऐसे देशों की तरफ जो अपने मैरिटाइम क्लेम्स असर्ट करते हैं. ब्रुनेई उसमें से नहीं है. ब्रुनेई अपने क्लेम्स असर्ट नहीं करता, वो उस तरीके से टेक ऑन नहीं करता है चीन को. एक साइलेंट क्लेमेंट है साउथ चाइना सी का, अपने जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर्स हैं वो मानते ज़रूर हैं, लेकिन पीसफुली इस चीज़ को वो डील करते हैं. ज़्यादा चीन से अग्रेसिव होके जैसे बाकी देश हैं वो इस इशू को उठाते हैं, वैसे उस तरीके से ब्रुनेई नहीं उठाता. लेकिन क्योंकि इस रीजन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ऑयल और गैस रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सारी जो इकोनॉमी है वो इसी पे बेस्ड है, उनके जो सारे इम्पोर्ट रेवेन्यूज़ हैं वो इसी से आते हैं, तो ये एक रीज़न है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा जो यहाँ के शोर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे नौसेना जहाज हैं, जो इंडियन नेवल शिप्स हैं, जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, वो आती रहती हैं. ये कम से कम 2006 से सिलसिला चल रहा है. INS राणा हो या INS कुलिश हो, ये तब आए. उसके बाद इस साल भी हमने देखा कि INS किल्टन और जो कोस्ट गार्ड शिप है समुद्र पहरेदार वो आया. ऐसे यहाँ से भी विजिट्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी की बात होती है, मैरिटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, सागर का विजन, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज होना, अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो होना. तो अगर हम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस लिहाज से
ये जो रिश्ते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विवेक, चाहे वो लुकिस्ट पॉलिसी की बात हो और लुकिस्ट की बात हो, हम एक्टिस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो एक्टिस्ट पॉलिसी के उस फ्रेमवर्क में ब्रुनेई का जो इम्पोर्टेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? और जैसा कि मुनमुन कह रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, चूंकि हम बहुत जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो एनर्जी बास्केट्स में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उस लिहाज से ब्रुनेई हमारा कितना इम्पोर्टेंट एक पार्टनर हो जाता है? ब्रुनेई काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पार्टनर उभर के आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आसियान सेंट्रलिटी की हम हमेशा बात करते हैं हिंद प्रशांत स्ट्रैटेजी में, उसके बीचों बीच ब्रुनेई खड़ा है। इसीलिए हमारे रिलेशनशिप, जब आप अमेरिकन इनिशिएटिव को ले लें, जो कि जैसे कि PGII हो गया, PQI पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में अगर आप देखें तो ब्रुनेई का एक बहुत ही खासा महत्व हो सकता है आगे अगले एक दशक में। और इंडिया के इंटरेस्ट, भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एनर्जी इंटरेस्ट, जबकि आप कार्बन एनर्जी पे आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, तो डिवर्सिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। उस डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में ब्रुनेई का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि अब जैसा हाइड्रोकार्बन्स में काफी स्ट्रांग है, और एक रीजनल विजन है ब्रुनेई की, जो ववासन 2035 है, उसमें एक रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई है, इम्पॉर्टेंट नॉन अलाइंड पार्टनर्स से रिश्ते बनाने की बात की गई है, उसमें भारत उभर के आएगा। तो एक लॉन्ग टर्म विजन भी है जो रीजनल है और एक्स्ट्रा रीजनल है, उसमें भारत और ब्रुनेई के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। ठीक है मुनमुन, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि हम कहते हैं कि जो ब्रुनेई है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, ब्रुनेई के लिहाज से देखा जाए, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ब्रुनेई किस तरह से, उसका क्या एक विजन है इंडिया के प्रति, भारत के प्रति, यहाँ की सरकार के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, क्या कुछ उनके इंटरेस्ट है इंडिया के प्रति? जी, एक तो जो इम्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं भारत से, वो दिखाता है थोड़ा बहुत कि किस तरीके का इंटरेस्ट है। भारत यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स भेजता है, ट्रांसपोर्ट मशीनरी भेजता है, खाने के पदार्थ काफ़ी भेजता है, यहाँ पे राइस आता है, स्पाइसेस आते हैं, तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग काम करते हैं वो भारतीय है। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ 5000 स्क्वायर किलोमीटर के साइज का देश है, तो बहुत छोटा देश है, और यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 5 लाख से भी कम है। अब यहाँ पे 14,000 से 15,000 भारतीय मूल के लोग हैं, जो 50% से ज्यादा हैं वो अनस्किल्ड लेबर में हैं, सेमी स्किल्ड लेबर में हैं, और वो कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान देते हैं, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में अपना योगदान देते हैं, वो रिटेल बिजनेस में अपना योगदान देते हैं, वो टेक्सटाइल्स में अपना योगदान देते हैं, और धीरे धीरे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, उनका भी योगदान बढ़ता जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है यहाँ पर। कुछ दिन पहले मैंने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी हैं यहाँ पे नज़ीर अहमद जी, उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे अपना बिजनेस एंटरप्राइज चला रहे हैं, और काफी सारे भारतीयों को वो यहाँ पर एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से जो भारत के लोग हैं उन्होंने उस इकोनॉमी के लिए काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम ब्रुनेई के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो जो भारतीय है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा जिस तरीके का सामान ब्रुनेई हमसे इम्पोर्ट करता है वो जरूरी है। तीसरा ये है कि ब्रुनेई एक आसियान मेंबर स्टेट है, वो चाहता है कि हम और आसियान क्लोज आए, क्योंकि हमने देखा कि 3 साल 2012 से लेकर 2015 तक जो ब्रुनेई दारुसलम है वो कोऑर्डिनेटर था आसियान में भारत के लिए, तो उसने भी अपना एक रोल अदा किया है आसियान और भारत को क्लोज लाने में। और इसके पहले भी हम जानते हैं कि जो दोनों देश के नेतृत्व हैं वो मिले हैं, चाहे वो 2014 में हो, चाहे वो 17 में हो, फिर 18 में हो, और फिर 2021 में एक वर्चुअल समिट हुई थी, 18वीं इंडिया आसियान समिट वो हो, चाहे हम यहाँ के जो सुल्तान है सुल्तान हाजी उनका प्रेजेंस हो 26 जनवरी 2018 की रिपब्लिक डे परेड में, तो एक हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, कल्चरल टाइज रहे हैं, सिविलाइजेशनल टाइज रहे हैं, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों देश चाहते हैं कि उनके रिश्ते और प्रगाढ़ हुए, इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली
द्विपक्षीय यात्रा के लिए यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ उनकी पहली ये द्विपक्षीय यात्रा नहीं है, लेकिन भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा है। हाँ, वो मल्टीलैटरल विजिट के लिए पहले के प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन अगर हम द्विपक्षीय पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पहला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनमुन इन तमाम ताजा अपडेट्स को ब्रुनेई सम तक पहुंचाने के लिए, और विवेक मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम पर्सपेक्टिव को हमें समझाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।